Hare Krishna, so welcome to today's class, Three Modes of Material Nature. So this is from Bhagavad Gita, chapter 14. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो three modes of material nature, Bhagavad Gita का chapter 14 का है, उसमें चार श्लोक का ऊपर में ये है, 10-13 ये श्लोक है. थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर का ऊपर में ये हम लोग डिस्कस करेंगे. शेयर आ रहा है क्या? शेयरिंग हो रहा है? तो थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर एक्चुअली जो है प्रकृति तीन गुण में बना हुआ है. प्रकृति हम लोग जानते हैं पुरुष एंड प्रकृति. भगवद गीता में पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर में डिस्कशन हुआ है. एक है पुरुष प्रकृति मीन्स जो भगवान है ईश्वर, देन जीव काल कर्म और मेटेरियल नेचर प्रकृति. तो ईश्वर काल प्रकृति तो ये जो है इटर्नल है, बट कर्म जो है दैट इज टेम्पररी. ईश्वर जीव प्रकृति काल ये चार चीज है इटर्नल, एंड कर्म जो है दैट इज टेम्पररी, दैट कैन बी चेंज्ड. इसलिए ईश्वर और जीव और प्रकृति का बीच में बहुत सामंजस्य है. प्रकृति ये नेचर ऑफ और एनर्जी ऑफ कृष्णा, जीव इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ कृष्णा. तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे भगवान का तीन टाइप का एनर्जी है, एक इंटरनल पोटेंसी या इन जो अंतरंगा शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति बा मेटेरियल पोटेंसी मेटेरियल एनर्जी, एंड जीवा जो है दैट इज कॉल्ड तटस्थ शक्ति और मार्जिनल पोटेंसी. तो हम लोग जो तीन प्रकृति है थ्री टाइप का एनर्जी है उसे एक्सटर्नल एनर्जी जो है मेटेरियल नेचर है. ये मेटेरियल नेचर तीन गुण में बना होता है. जैसे तीन गुण मीन्स सत्तर गुण रजोगुण एंड तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो जैसे यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देखते हैं भगवान का एक एनर्जी है जो प्रकृति है, वन एक्सटर्नल एनर्जी है, इसमें तीन गुण में बना हुआ है. तो जस्ट लाइक थ्री पॉपेट जी पॉपेटियर्स, जो पॉपेटियर हम लोग पॉपेट डांस में देखे होंगे, तो पॉपेटियर सबको नचाता है. तो इसलिए यहाँ पे जो तीन गुण है सबको नचाता है. इसलिए हम लोग इसमें देखना पड़ेगा कैसे मेटेरियल नेचर सबको नचाता है. तो ये हम लोग तीन गुण का अंदर में रहते हुए कैसे तीन गुण हमको बंधन में बांधता है, हमको नचाता है. तो ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है. और प्रभुपाद लिखते हैं कि ये चैप्टर का हेल्प में हम जानेंगे तो प्लीज म्यूट समबडी इफ माइक इज नॉट म्यूट प्लीज म्यूट. तो जो तीन गुण का नेचर का हिसाब से हम लोग को बंधन में बांधा रहता है, थ्री मोड्स सत्वगुण रजोगुण तमोगुण. तो चैप्टर 14 तीन गुण का बारे में डिस्कस किया गया है और हम लोग किस गुण में हैं और हम लोग कैसे सत्वगुण में तमो रजो सत्व तीन गुण है. तो तमोगुण इज लोएस्ट, देन पैशन इज इन बिटवीन या रजोगुण है, देन सत्वगुण है, देन शुद्ध सत्व है. इसीलिए जो भक्त लोग है वो शुद्ध सत्व में जाना चाहिए या प्योर गुडनेस में जाना चाहिए.
तो दैट्स व्हाई हम लोग पहले कौन सा गुण में है जानेंगे, तो हम लोग वो गुण को क्रॉस करके नेक्स्ट हायर गुण होके शुद्ध सत्व गुण में पहुंचना चाहिए। तो हम लोग उसका बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो सत्वम रजस तमो इति गुण प्रकृति संभवा निबध्नति महाबाहो देह देहिनाम अभ्ययम्। महाबाहो मीन्स अर्जुन। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेटेरियल नेचर कंसिस्ट ऑफ थ्री मोड्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। व्हेन द इटर्नल लिविंग एंटिटी कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ नेचर, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, ही बिकम्स कंडीशन बाय दीज मोड्स। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हम लोग ओरिजिनली शुद्ध सत्व में है, बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर तीन गुण में थे। जो भक्त है वो ये तीन गुण का ऊपर में रहता है। तो भगत सेवा में रहते हैं, भगत धाम में रहते हैं, भगवान का पास में रहते हैं, तो ये तीन गुण उसमें नहीं रहता है। भगवान का जो धाम है, इटर्नल धाम है, ये तीन गुण का प्रभाव वहाँ नहीं है, या कोई भी उस तीन गुण में कोई जीव उसमें बंधन में नहीं बांधा हुआ है, वो फ्री है, वो शुद्ध सत्व में है। लेकिन जब वो चाहा कि इंडिपेंडेंट भगवान से होके एंजॉय करने के लिए, तो भगवान हम लोग को जो मेटेरियल वर्ल्ड में भेजे, ये मेटेरियल वर्ल्ड में तीन गुण काम करता है। वही मेटेरियल वर्ल्ड का इंचार्ज है दुर्गा देवी, जो कि एक्सटर्नल एनर्जी भगवान का है। हम लोग डिस्कस किए तीन टाइप का एनर्जी है, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी। तो जो एक्सटर्नल पोटेंसी है दुर्गा देवी है, उनको महामाया भी बोला जाता है। तो वह दुर्ग मेटेरियल वर्ल्ड को, मेटेरियल यूनिवर्स को, मेटेरियल प्लेस को दुर्ग बोलते हैं, और ये दुर्ग का इंचार्ज जो है उनका दुर्गा देवी बोलते हैं। दुर्ग मीन्स एक जेल, और दुर्गा देवी जेलर है। तो इसीलिए जो हम लोग पहले भगवान के पास में थे, लेकिन हम लोग भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहा विदाउट गिविंग प्लीजर टू लॉर्ड, देन भगवान उनको वार्निंग दिए कि आप ऑलरेडी यू आर हैप्पी हियर, बट इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ मी, यू हैव टू गो टू ए प्लेस जहाँ पे कि जाने से आपका लगेगा कि यू आर इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअली आप इंडिपेंडेंट नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में हम आते हैं तो हम लोग माया में फंसा रहते हैं। तो उसमें ये आता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट है, लेकिन माया का इन्फ्लुएंस में, महामाया का इन्फ्लुएंस में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सेपरेटली एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली हम एंजॉय नहीं करते हैं, तो बट हम लोग को लगता है एंजॉय कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जब मेटल वर्ल्ड का टच में हम आते हैं, तो तीन गुण का बंधन में फंस जाते हैं, जिससे मछली जैसे समुन्द्र या नदियाँ में रहते हैं, लेकिन जब वो जाल का अंदर में गिर जाता है तो फंस जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा है, मेटल वर्ल्ड हमारा एक तीन गुण में बना हुआ जाल है। तीन गुण में सत्व रज तमो गुण, और ऐसे भी बोलते हैं इसको तीन टाइप का चैन भी बोला जाता है। तो हम जेल में पहुंच जाते हैं तो थ्री टाइप्स का चैन में बंधा हुआ रहता है। जो सत्व गुण का चैन है, चैन मेड ऑफ गोल्ड बोल सकते हैं, गोल्डन चैन। रजोगुण जो चैन है ये मेड ऑफ सिल्वर बोल सकते हैं, एंड तमोगुण का जो है चैन मेड ऑफ आयरन। बट चैन तो चैन ही होता है, तो चैन में अगर सोना का चैन होगा और उसमें बंधा हुआ होगा तो भी बंधन में ही है। तो इसीलिए ये तीन गुण हम लोग पहले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस गुण का कोई प्रभाव नहीं था, या वहाँ पे गुण काम नहीं करता है, बट ये जो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं तो ये तीन गुण हमको बांध देता है। तो अभी हमारा ये काम है कि हम लोग कौन सा गुण में ज़्यादा बंधा हुआ है। तीन गुण का तीन टाइप का चैन में बंधा है, लेकिन कौन सा चैन हमारे लिए स्ट्रांग है उसको पता होना चाहिए, और उसी चैन से निकल के फिर हम लोग जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहेंगे तो इस चैन से, बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, तीनों चैन से कटा हुआ होना पड़ेगा, तो तभी हम ऊपर
भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम लोग तीन गुण का क्या कैसे प्रभाव है देखते हैं। जो सत्व गुण में रहते हैं, सत्व गुण से वेरी बैलेंस्ड नेचर, हारमोनी, पॉजिटिव थिंकिंग है, पीस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, लाइट, लाइट मीन्स अंधकार का ऑपोजिट लाइट है, क्रिएटिविटी है, ओपननेस है, इंटेलिजेंस है। तो जो सत्वगुण का क्वालिटी रहता है जिसके पास में, ही विल वेरी बैलेंस्ड पर्सन एंड ही विल बी हारमोनियस, पॉजिटिव बैंड ऑफ माइंड, पीसफुल है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, कौन सा सही कौन सा गलत है उसको क्लियर है। और जैसे हम लोग लाइट में रहते हैं तो वो सत्वगुण का है प्रकाश और क्रिएटिविटी, वॉन्ट टू डू समथिंग गुड, ओपननेस, इंटेलिजेंस। तो इग्नोरेंस का है ऑपोजिट में तमस, सत्व का जस्ट ऑपोजिट में तमस है। तो बैलेंस पर्सन इज इनबैलेंस्ड है, इनर्शिया उसका रहता है, वेरी लेजी। रजोगुण में क्या रहता है, वेरी मूवमेंट, मैंने वेरी एक्टिव है, एक्टिविटी रहेगा, मूवमेंट रहेगा, वेरी एनर्जेटिक है, कोई चीज़ करने के लिए बहुत एनर्जेटिक रहता है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, डिजायर है, एजिटेशन है, तो एंग्जाइटी है, तो ईगोइज्म है। तो ये सब रजोगुण का काम है। रजोगुण मीन्स एक्टिव, एक्टिव फॉर फ्रूट, कोई फल का आशा करने के लिए, कुछ फल पाने के लिए विल बी वेरी एक्टिव। जैसे रजोगुण में रहेगा तो मूवमेंट, एक्टिविटी, एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर, एजिटेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तमोगुण में है इनर्शिया, वेरी वेरी लेजी, कोई कोई भी चीज़ करने के लिए जो कि एक मिनट चाहिए उसको एक घंटा, एक दिन, एक महीना भी ले सकता है। इनएक्टिविटी, काम नहीं करने के लिए इच्छा नहीं है, काम नहीं काम करने के लिए इच्छा नहीं है, नेगेटिव है, ऑलवेज थॉट प्रोसेस नेगेटिव में रहता है, एपाथी है, डलनेस, डार्क, अंधेरा इज ए वन टाइप ऑफ सिंबल ऑफ कॉमर्स। लाइट का अपोजिट में इंटेलिजेंस या बुद्धि का अपोजिट इग्नोरेंस में है। तो इग्नोरेंस मीन्स व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड पता नहीं है, डिल्यूजन, डिप्रेशन, तो ये सब तमोगुण का है। हमारा हम जानते हैं तीन गुण का बना हुआ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कोई भी कलर बनाना है तो थ्री प्राइमरी कलर्स तो हम लोग ले सकते हैं, आरजीबी कलर है तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन से आपको कितना भी टाइप का कलर निकाल सकता है। तो सिमिलरली एक इंडिविजुअल का डिफरेंट कैटेगरीज का पर्सन को आप देखेंगे, उसका गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस का हिसाब से उसका डिफरेंट क्वालिटीज बना रहता है। तो जीपीआई इंडेक्स, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, मतलब हो सकता है किसका गुडनेस ज़्यादा है, किसका पैशन कम है और इग्नोरेंस और भी कम है, या कभी पैशन ज़्यादा है। तो इस टाइप का डिफरेंट क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन से मोड्स में एक आदमी का नेचर बना होता है। जैसे अनलिमिटेड कलर निकलते हैं तीन कलर से, तो सिमिलरली अनलिमिटेड इंडेक्स है, मतलब अनलिमिटेड पर्सन का क्वालिटी आता है, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट क्वालिटीज डिपेंडिंग अपॉन तीन गुण का कॉम्बिनेशन से। तो तीन मोड्स का कॉम्बिनेशन है गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो इसी से हम लोग को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बनता है। तो हम लोग इंडेक्स जानते हैं, कभी कभी सीजीपीआई बोलते हैं। तो हम लोग 10 गुडनेस अगर लेंगे, मैक्सिमम 10 पैशन, 10 इग्नोरेंस, 10, तो एक आदमी का 9.9999 गुडनेस हो सकता है, पैशन 7.888 हो सकता है, इग्नोरेंस 5. समथिंग हो सकता है। लाइक दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, जो जीपीआई इंडेक्स उसको बोलते हैं। जो डिफरेंट लोग तीन गुण में है तो उसका कैसे सत्व गुण में रहने से उसको कैसे पहचानेंगे जो सत्व गुण में है। तो यूजुअली सत्व गुण पीपल विल बी सॉफ्ट, कंपासनेट एंड फॉरगिविंग नेचर। तो वो लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, दयालु है, सबको क्षमा करते हैं। तो ये सब क्वालिटी जो है सत्व गुण का है। तो दे यूजुअली लीड ए सिंपल लाइफ, दे डोंट क्रेव फॉर एडिंग मोर एंड मोर वेल्थ।
एंड दे आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव दे यूजुअली डोंट रिटेलिएट दो दे आर इंसल्टेड बाई एनी वन। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंपल लाइफ है सो दे डोंट क्रैप फॉर एडिंग मोर एंड मोर वेल्थ है, जितना मिला है उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं, भगवान जो दिया है उसमें सेटिस्फाइड है। दे आर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव दे यूजुअली डोंट रिटेलिएट दो दे आर इंसल्टेड बाई एनी वन। Shatogun people will find it easy to surrender to the Lord and elders. They will be humble and merciful. तो Shatogun लोग है कि सबका गुरुजन का पास में भगवान का पास में अपने को सरेंडर करते हैं, गुरुजन का सेवा करते हैं, पिता माता का सेवा करते हैं। तो दे आर हम्बल, दे आर मर्सीफुल। तो ये जो है Shatogun का क्वालिटी है। तो ये पिक्चर में हम लोग देखते हैं तो देवदेवी है ये Shatogun में रहते हैं। एंड बीच में देखिए जो है पिक्चर है मिडिल में वो रजोगुण का है, लाइक किंग एंड अदर थिंग्स है रजोगुण में है। तमोगुण में जो एनिमल्स है या जो आदमी भी है उसका भी नेचर एनिमलिस्टिक नेचर है। तो इसलिए ये तीन टाइप का क्वालिटी में देवता लोग है, रजोगुण में ह्यूमन बींग और थर्ड तमोगुण में एनिमल ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आदमी का अंदर में भी तीन टाइप का गुण होता है। तो इसीलिए आदमी जो सत्व गुण में रहता है वो देव डिवोटी क्वालिटी है, दैट इज देव देवलोक का सूर्यलोक का या मैंने क्वालिटी है, देवता का क्वालिटी है। और जो रजोगुण में है वो भरी एक्टिव रहते हैं। एंड जो तमोगुण का क्वालिटी है तो एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी है, डिमोनिया क्वालिटी है। तो इसलिए ये तीन गुण का जो है प्रभाव हम सत्वगुण में रहने से देवताल जैसे क्वालिटी डेवलप करता है। रजोगुण में जस्ट लाइक पैशनेट है, मतलब लाइक किंग एंड अदर पीपल एक्टिव है कुछ पाने के लिए। तो ये जो तीन टाइप का है, इवन एनिमल को हम भी देख सकते हैं। एनिमल भी जो गाय है वो मोड ऑफ गुडनेस में है, जो लायन है मोड ऑफ पैशन है, जो मंकी है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस है। इसलिए बोला जाता है जो आइदर थ्री पशु का तीन पशु से मनुष्य आ सकता है, तो ये लायन से आ सकता है, काऊ से आ सकता है या मंकी से आ सकता है। तो इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में तो ये जो तीन गुण का हिसाब से आदमी जो आ सकता है। रजोगुण में क्या है मोड ऑफ पैशन, दे हैव लेस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, भगवत प्राप्ति के लिए उनका इंटरेस्ट नहीं है। दे ऑलवेज गो फॉर द एक्ट्स दैट प्रोड्यूस इमीडिएट रिजल्ट एंड सेंस सेटिस्फेक्शन। तो दे नीड इमीडिएट रिजल्ट, हमको जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो दे आर वेरी एक्टिव, सो दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन मेटेरियल एडिशंस एंड एंजॉयमेंट्स। हमको ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा यश यश मिलना है, ख्याति नेम एंड फेम एंड मोर एन्जॉयमेंट। तो ये सब जो है रजोगुण का है। तमोगुण का है पर्सन्स आर लेजी फुलिस दे डिले इन स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जो चीज़ को आज कर सकते हैं उसको सालों सालों तक चलाता है, स्टार्ट नहीं करते हैं, वेरी लेजी। कभी ऐसा होता कि दारू पीते हैं और जनरली उसी टाइप का फूड लेते हैं कि स्टेल फूड पूरा बहुत पुराना जो खाना है उस टाइप का लेते हैं। तो दे मिस द अपॉर्चुनिटी, दे विल टेक रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज यार इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है, तो उसको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, कौन सा सही कौन सा गलत पता नहीं चलता। तो यहाँ पे थ्री हॉर्सेस का दिया गया है। तो वाइट में जो है वो सत्वगुण का सिंबल है, द रेड है वो रजोगुण का सिंबल है, तो ब्लैक है वो तमोगुण का सिंबल है। इसीलिए हम लोग देखते हैं जो भक्त लोग जो ड्रेस पहनते हैं पीसफुल टाइप का ड्रेस है, वाइट ड्रेस पहनते हैं। एंड कभी कभी हम लोग मार्क करते हैं किसी का नेचर कैसे है, उसका ड्रेस से भी पता चल जाएगा। अब देखेंगे उसका लाइट कलर ड्रेस पहनेगा, वाइट ड्रेस पहनेगा, लाइट कलर ड्रेस पहनेगा, तो हिज इंटरेस्ट इज टुवर्ड्स सत्वगुण है। जो रेड कलर पहनेंगे बहुत गर्जियस ड्रेस पहनते हैं तो उसको रजोगुण में है,
मेजर ऐसे मेजरिटी पता चलता है उसका नेचर से। और जो ब्लैक टाइप का ड्रेस पहनते हैं धर्मगुण में है, तो हम लोग भी देखते हैं जो भक्त लोग भी है इस टाइप का है। हम लोग जानते हैं कि केरला में जो एक मंदिर है वहाँ पे वो लोग जो है ब्लैक ड्रेस पहनते हैं और 40 दिन फास्टिंग करते हैं, उसका बाद में खाना खाते हैं। तो उस टाइप का तांत्रिक टाइप का जो चीज़ है वो तामसिक में रहते हैं। तो जो सात्विक में है वो भगवान का नाम लेंगे या भगवान का विष्णु का पूजा करेंगे। इसीलिए जो तांत्रिक टाइप का है तमोगुण में रहते हैं, जो सत्वगुण में रहते हैं वो देवो देवी और विष्णु का पूजा करेंगे, एंड रजोगुण में रहते हैं तो ब्रह्मा का पूजा करेंगे, तमोगुण में रहेंगे शिव जी का पूजा करते हैं। तो इस टाइप का डिफरेंट है। तमोगुण में रहते हैं तो तांत्रिक टाइप का करते हैं, मतलब देव देवी मीन्स ब्लैक मैजिक, उसको तमोगुण में बोलते हैं। देवदी का पूजा करते हैं तो उसको सत्वगुण में है, एंड राक्षस का पूजा करते हैं वो राजसिक है। बहुत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी तो इसमें आते हैं, बट विष्णु ही भगवान है। तो विष्णु का जो पूजक है वो 3 गुण का ऊपर में रहते हैं, उनको वैष्णव बोलते हैं। तो ये जो है दूसरा देवदीप डेमिगॉड्स को पूजा करते हैं वो लोग सत्वगुण में रहते हैं। सो ये टाइप का क्वालिटी है। इस स्लाइड में हम देखते हैं डज वन मोड बिकम प्रीडोमिनेंट इफ सो हाउ। तो हम देखते हैं कि एक आदमी का अंदर में 3 गुण रहता है, तो ऐसे नहीं कि कभी कभी सत्वगुण भी प्रीडोमिनेंट रहता है, कभी रजोगुण प्रीडोमिनेंट रहता है, कभी तमोगुण प्रीडोमिनेंट करता है। सत्वगुण जो प्रीडोमिनेंट करता है तो रज तमो का ऊपर में आता है, जब रजोगुण प्रीडोमिनेंट होता है तो सत्व और तमो को क्रॉस करता है, और जब तमोगुण का प्रीडोमिनेंस रहता है हमारा तो उस टाइम में जो है सत्व रजोगुण नीचे रहता है। इसलिए डज वन मोड बिकम प्रीडोमिनेंट इफ सो हाउ, यस ये प्रीडोमिनेंट करता है। एक कभी कभी आदमी का पास में सेम आदमी का पास में कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। तो ये तीनों गुण का अंदर में फाइट चलता रहता है। तो इस यहाँ पे बोलते हैं 14.9 में सत्तम सुखे संजायति रज कर्माणि भारत ज्ञानम अवृत्त तु तमः प्रमादे संजायति उत अशन भारत द मोड ऑफ गुडनेस कंडीशंस वन टू हैप्पीनेस पैशन कंडीशंस वन टू फ्रूटिव एक्शन एंड इग्नोरेंस कवरिंग वन्स नॉलेज बाइंड्स वन टू मैडनेस। तो हम लोग देखते हैं कंडीशनिंग क्या होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी गांव में भूत प्रेत पिशाच लगते हैं, तो इसी टाइप का जो 3 गुण है हमको पिशाच जैसे हमको बिहेव करता है, पिशाच जैसे अटैक करता है। तो इसलिए यहाँ पे मोड ऑफ गुडनेस क्या करता है वो हैप्पीनेस में रहता है, सो कॉल्ड मेटेरियल हैप्पीनेस, एंड पैशन जो है उनको फ्रूटिव एक्शन कि कुछ फल का आशा है, हम लोग ये कर रहे हैं तो इसका फल मिलना चाहिए। इग्नोरेंस में हमारा नॉलेज को कवर करता है, हम लोग क्या सही है क्या गलत है पता नहीं चलता है, तो वो इग्नोरेंस में रहते हैं। तो उसको माइंड सो टू मूव मैडनेस, तो इग्नोरेंस जो तमोगुण में रहते हैं वो पागल जैसे पागलपन रहता है। और नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, रजस तमस अभी अभिभूय सत्वम भवति भारत रजस सत्वम तमस चैव तमस सत्वम रजस तथा। Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion, ignorance, asana bharat. Sometimes the mode of passion defeats goodness and passion, and at other times, ignorance defeats goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. So yes, so यहाँ पे ये श्लोक में बोलते हैं कि there is competition. So sometimes goodness prominent होता है, जैसे हम लोग डिस्कस किया, कभी रजोगुण प्रेमिनेंट हो जाता है, कभी तमोगुण प्रेमिनेंट हो जाता है। तो कैसे होता है वो देखते हैं। इफेक्ट है जीव का ऊपर में, का ऊपर कोई भी लिविंग एंटिटी के ऊपर में टाइम ऑफ द डे हम किस टाइप का कर्म करते हैं तो हमारा मोड्स चेंज हो जाता है। किस टाइप का कर्म करेंगे
कैसे एसोसिएशन में रह देंगे, किसका संग में रहते हैं, किस टाइप का खाना खाते हैं, और इवन डिफरेंट टाइम ऑफ द डे में भी हमारा समय भी हमारे ऊपर में इफेक्ट करता है। डिफरेंट गुण डिफरेंट टाइम में डिफरेंट मोड्स प्रोमिनेंट हो जाता है। एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ फूड है, सत्व रजो तमा। तो सात्विक फूड्स यू नो लाइक वेजिटेबल्स ग्रेन्स, तो ये जो है अच्छा, ये सात्विक गुण में है। मसाला दारा चीज जो है, ओनियन एंड गार्लिक एंड मसाला चीज जो आता है वो आता है कि तामोशिक में, राजसिक में। एंड जो नॉन वेज आइटम है ये सब फिश एग मीट एटसेट्रा तामसिक है। तो इसलिए हम लोग को सात्विक गुण में रहने के लिए सात्विक टाइप का फूड लेंगे, सत्व गुण का फूड लेंगे तो हम सात्विक गुण हमारा अंदर में डेवलप करेगा। राजसिक फूड लेंगे तो राजसिक क्वालिटी आ जाएगा, तामसिक फूड लेंगे तो तामसिक क्वालिटी आ जाएगा। तो फ्रेश सात्विक फूड्स में फ्रेश जो है अच्छा फ्रेश रहता है, होल एंड न्यूट्रिशियस फूड्स अच्छे लेग्यूम्स होल ग्रेन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स एटसेट्रा। राजसिक फूड मीन्स स्टिमुलेटिंग, प्लीज म्यूट द माइक, somebody is have on mute mic. Foods that are stimulating in nature include spicy foods, vegetable, onion. तो हम लोग सत्वगुण का खाना खाएंगे तो हम लोग का सत्वगुण बढ़ता जाएगा। इसलिए वो तमोगुण रजोगुण को बढ़ाता है। तो तमोगुण का खाद्य खाएंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। एसोसिएशन का भी इन्फ्लुएंस है मोड्स का ऊपर में, हम किस टाइप का लोग से साथी साथ छात्र बनाते हैं या संघ बनाते हैं। जैसे हम अगर कोई ड्रंकर्ड है, प्रभुपाद कोई पूछे कि हाउ वन बिकम ए सिंसियर डिवोटी, प्रभुपाद बोले कि ऑस्ट्रेलिया में, तो बोले कि हाउ वन बिकम ए ड्रंकर्ड, ना इफ यू एसोसिएट विथ ए ड्रंकर्ड यू बिकम ए ड्रंकर्ड, सिमिलरली इफ यू एसोसिएट विथ ए सिंसियर डिवोटी तो यू बिकम ए सिंसियर, सिमिलरली इफ यू एसोसिएट विथ ए राजसिक पीपल, सपोज इसका डिजायर कि हमको ये करना है, पांच गाड़ी खरीदना है, पांच बिल्डिंग खरीदना है, ये तो राजसिक टाइप का है, उनसे मिलेंगे तो हमारा राजसिक गुण बढ़ेगा। जो तामसिक है जो सब समय लेजी है, कुछ खाना जो खाते हैं वो जो ड्रिंक करते हैं ये सब लेजीपन तामसिक है, उसके साथ में मिलेंगे तो हम लोग भी वही करेंगे, तामसिक हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है एसोसिएशन का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है मोड्स का ऊपर में। तो हम भक्त संघ में रहेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे, सात्विक लोग से मिलेंगे तो हमारा सात्विक गुण बढ़ेगा। तो इसीलिए जो एसोसिएशन भी हमारा इन्फ्लुएंस करता है तीन गुण का ऊपर में। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर मोड्स। अगर हम अर्ली मॉर्निंग में राइज अप करेंगे, आप समय देखिए, बिफोर सनराइज जो टाइम है सत्व गुण का है, धीरे धीरे जब दिन बढ़ते जाएगा तो रजोगुण बढ़ते जाता है, फिर शाम हो जाएगा तो तमोगुण का समय आता है। तो इसलिए तमोगुण का समय में तामसिक लोग का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि रात में चोर डकैत ऐसे डिफरेंट
घोस्ट, इसका भी इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे हम दिन आ जाएगा तो चोर चक्कर कम हो जाते हैं। हमको इफेक्ट है कि सत्वगुण का है, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त से, तो हमारे ऊपर में सत्वगुण का इफेक्ट बढ़ेगा। हम लेट में उठेंगे, लेट में स्नान करेंगे तो रजोगुण का इफेक्ट आएगा, जो शाम को फिर तमोगुण का इफेक्ट होता है। इसीलिए ये हम लोग को बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग राइज करके अर्ली मॉर्निंग में स्नान करने से, विच इज इक्विवेलेंट टू अमृत स्नान, हम जो स्नान करते हैं वो अमृत स्नान होता है। जब टाइम टाइम बढ़ता है, दोपहर का टाइम में स्नान करेंगे यानी आफ्टर सनराइज करेंगे, तो उसका तो इफेक्ट है। ये हमारा टेकिंग बाथ इन सूरा, तो सूरा स्नान बोलते हैं। और जो दोपहर का टाइम में स्नान करते हैं, व्हेन सन इज ऑन आवर हेड, तो उस टाइम के इसको बोलते हैं कि ब्लड बाथ। इसीलिए वन शुड टेक बाथ बिफोर सनराइज, दैट इज गुड। नेक्स्ट टाइम यू कैन टेक, बट फर्स्ट बाथ यू शुड टेक बिफोर सनराइज। तो इस सनराइज का समय का पहले जो सत्वगुण है, इसीलिए हम लोग जो भक्त लोग है वो सत्वगुण को आना चाहिए, तो मिनिमम देन शुद्ध सत्व को जाएंगे। सत्वगुण को आने के लिए अर्ली मॉर्निंग राइज अप, अर्ली मॉर्निंग में उठ के भगवान का नाम लेने से एक शांत परिवेश रहता है, तो सत्वगुण इज काम एंड पीसफुल है, रजोगुण इज एक्टिव है। तो दिन बढ़ते जाएगा तो सब कुछ भाग दौड़ बढ़ता है, और जो शाम होता है फिर डल हो जाते हैं, रात को डल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये तीन टाइम का इन्फ्लुएंस को अगर पार करना है, तो हर समय में भगवान करना है। इसी रीति पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं। इसीलिए हर हर टाइम में भगवान का सेवा करना चाहिए, तो ये तीन गुण का इन्फ्लुएंस से हम निकल सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि शाम को अगर कोई सोता है, उसका डॉल मेमोरी डॉल होता है, इंटेलिजेंस कम हो जाता है। और शाम को शिव जी का ये चार्ज है कि वो जाके उनका अनुचर पिशाच लोग को लेके देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। उस टाइम में कोई मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, भगवान का सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको ज़्यादा अटैक करते हैं, मतलब उनको पनिशमेंट मिलता है। तो इसीलिए शाम को भी हम इधर उधर का नहीं करके आके फिर स्नान करके भगवान का आरती करें, भगवान का बारे में श्रवण करें, पढ़ाई करें, ये सब करना है, भगवान सेवा में लगना पड़ेगा। तो अर्ली मॉर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो ऑल द टाइम्स वी हैव टू एंगेज इन कृष्ण सर्विस, तो देन ओनली तीन गुण का जो समय का इफेक्ट हमारे ऊपर में कम हो जाएगा। तो कैसे हम प्रैक्टिस करते हुए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो हम तीन गुण से ऊपर जाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द प्रोमिनेंस ऑफ सर्टेन मोड्स ऑफ नेचर इज मैनिफेस्टेड इन वंस डीलिंग्स इन हिज एक्टिविटीज इन ईटिंग एटसेट्रा। तो हम लोग अगर सबसे भगवान का सेवा में लगा रहेंगे तो तीन गुण का क्रश कर सकते हैं। इफ यू वांट्स यू कैन डेवलप बाय प्रैक्टिस द मोड ऑफ गुडनेस एंड दस डिफीट द मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन। वन कैन सिमिलरली डेवलप द मोड ऑफ पैशन एंड डिफीट गुडनेस एंड इग्नोरेंस, और वन कैन डेवलप द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड डिफीट गुडनेस एंड पैशन। सो वन कैन डेवलप, सो अगर सत्वगुण में सबका एक्टिविटी करेंगे तो रजोतमगुण का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो सत्वगुण मीन्स खाना, फूड शुड बी सत्व, वी शुड टेक बाथ, मेक्स आवर सेल्फ एक्सटर्नली क्लीन, एंड वी शुड टेक होली नेम मीन्स इंटरनली क्लीन। तो ये क्लीननेस इज ए सत्वगुण का है, एनवायरमेंट क्लीन रखना है। तो ये सब क्लीन रखेंगे, क्लीन का काम करेंगे, पीसफुल रहेंगे, पीसफुल एक्टिविटी करेंगे, भगवान का सेवा में अगर एंगेज हो जाएंगे तो सत्वगुण से हम आगे बढ़ सकते हैं और भी ऊपर जाएंगे। लेकिन रजोगुण है कि हम लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, कुछ फल का आशा रखेंगे, कुछ पाना है, हम कुछ ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा टारगेट रखना है, तो ये सब रजोगुण का है। तमोगुण का है नथिंग डूइंग, ठीक है, चलता है, सब कुछ चलता है, तो आराम से सो जाओ, ज़्यादा टाइम टाइम सोना है, 10-12 घंटा मिनिमम दिन में सो जाते हैं, दारू पीना, नॉनवेज खाना, तो ये तमोगुण का है। एंड इसीलिए वो लेजी रहेंगे, तो
इसलिए उस टाइप का खाना खाना है, उस टाइप का लोग से मिलेंगे, उसी टाइम में क्या काम करेंगे वैसे देखेंगे। सो इससे इन्फ्लुएंस से हम लोग प्रैक्टिस को चेंज करके हम सत्वगुण को ऊपर में जा सकते हैं। तो सत्वगुण का ऊपर का जो स्टेट है उसको बोलते हैं वासुदेव स्टेट, वासुदेव स्टेट, और शुद्ध सत्व बोलते हैं प्योर गुडनेस। क्योंकि गुडनेस में भी सम पैशन इग्नोरेंस मिला रहता है, बट प्योर गुडनेस में ओनली गुडनेस, नो पैशन नो इग्नोरेंस। तो दैट इज बिग पैशन इज जीरो, इग्नोरेंस जीरो, एंड 100% गुडनेस, प्योर गुडनेस, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व और वासुदेव स्टेट, जो कि भगवान का स्टेट में पहुंचते हैं या भगवान के साथ में जुड़ा रहते हैं, प्योर है। वासुदेव स्टेट मीन स्टेट ऑफ द प्योर गुडनेस इन विच वन कैन अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ गॉड। तो भक्त लोग जो है, वैष्णव है, वो वासुदेव स्टेट को आ जाते हैं। वासुदेव स्टेट में तीन गुण को क्रॉस करके आते हैं। तो पहले तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण आएंगे, और सत्वगुण से फिर शुद्ध सत्वगुण को आएगा। तो भक्त जो है वैष्णव है तो वो शुद्ध सत्व में है, ब्राह्मण जो है सत्वगुण में है, क्षत्रिय जो है रजोगुण का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और जो वैश्य है तो वो रजो एंड तमो का मिक्स्ड है, और जो शूद्र है उसका प्रेडिमिनेंट क्वालिटी है तमोगुण है। तो वैष्णव एबव दिस ब्राह्मण, तो वो शुद्ध सत्व में। तो ब्राह्मण तो गुडनेस में है, लेकिन प्योर गुडनेस में वैष्णव रहते हैं। तो हम लोग को वैष्णव बनना है, ब्राह्मण का ऊपर में जाना है। इफेक्ट्स ऑफ मोड्स, तो मोड्स का इफेक्ट हम लोग अभी डिस्कस किया। सत्वगुण का इफेक्ट रहेगा तो नॉलेज विल बी, नॉलेज व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड वी कैन अंडरस्टैंड फ्री फ्रॉम सिंस। अच्छा चीज का, अच्छा काम करेगा मीन से पुण्य कर्म करेगा तो पाप नहीं करेगा, वो सत्वगुण का है। कंडीशंस बाय द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, और सत्वगुण का एक नेचर है कि हम लोग को मेटेरियल हैप्पीनेस देता है, नॉलेज मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। सो फॉर एग्जांपल टीचर्स, फिलोसफर्स, साइंटिस्ट, सो उनका मेटेरियल क्वालिटीज है, मेटेरियल नॉलेज है, सो दे थिंक दैट आई नो समथिंग, एंड इसीलिए उनको हैप्पीनेस मिलता है। तो बट दैट इज मेटेरियल हैप्पीनेस, एंड ये नॉलेज भी मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है। लेकिन जो शुद्ध सत्व में जाता है उसको भगवान का बारे में नॉलेज रहता है, और इसका जो है ही इज कंडीशन बाय स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, नॉट बाय मेटेरियल हैप्पीनेस। तो इसीलिए जो फिलोसोफर, साइंटिस्ट, टीचर्स, दे आर इन सत्वगुण में है जनरली। रजोगुण का क्या है, अनलिमिटेड डिजायर है, बहुत कुछ मेरे को चाहिए, ये चाहिए, एक मिल गया, दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, मेटेरियल डिजायर है। फ्रूटिव एक्टिविटीज, कुछ फल का आशा रहता है, उसी हिसाब से काम करते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ये है रजो है, रजगुण है। तमोगुण का है मैडनेस, जो आदमी पागल, लेजी, स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन, ज़्यादा सोता है, इंटॉक्सिकेशन रहता है, तो ये जो उनका इफेक्ट रहता है। ऑल लिविंग बींग्स इन द मेटेरियल वर्ल्ड आर कंडीशन बाई दी थ्री वर्ल्ड्स। गुडनेस का सिम्टम्स यहाँ पे फिर डिस्कस किया गया है। सर्वद्वारेषु देहेश्विन प्रकाश उपजायते, ज्ञानम जदा तदा विद्यात विवृद्धम सत्वम इति उत। ट्रांसलेशन सर प्रभुपाद की जय। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन ऑल द गेट्स ऑफ द बॉडी आर इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज। इसका मतलब क्या है, ऑल द गेट्स ऑफ द बॉडी, तो हमारे शरीर में कितना गेट है, नाइन गेट्स आर देयर, नाइन ओपनिंग आर देयर, टू आईज, टू ईयर्स, टू नस्ट्रिल्स, जेनिटल्स, एंड पासिंग द स्टूल्स, लाइक दिस वी आर हैविंग नाइन गेट्स। तो इसलिए नौबत द्वारा पूरे देही, तो नाइन नाइन गेट्स आर देयर इन दिस पूरा, और इन दिस सिटी, सिटी ऑफ नाइन गेट्स, दिस बॉडी इज कॉल्ड, शरीर को बोलते हैं नवद्वारा पूरा, तो बिकॉज इसमें नाइन गेट्स है, ये नाइन गेट सबसे खुला है, तो आत्मा कभी भी निकल सकता है। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, आत्मा कभी भी निकल जाएगा, तो उसका पहले हम लोग को शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, थ्री गेट, ऑल द गेट्स आर ऑफ द बॉडी आर इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज, मतलब ज्ञान का द्वारा वो ऑल द नाइन गेट्स आर इल्यूमिनेटेड। कैसे इल्यूमिनेशन होता है देखते हैं। ऑल गेट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय नॉलेज एंड हैप्पीनेस। सत्वगुण का क्वालिटी है कि नॉलेज में रहेगा, एंड हैप्पीनेस मेटेरियल हैप्पीनेस है। तो हमारा सब जो द्वार है,
नौ द्वारा है उसको नॉलेज में और हैप्पीनेस में मिलेगा। मतलब कैसा है, द परसेप्शन बाय द सेंसेस आर बेस्ड ऑन नॉलेज इन द राइट पोजिशन, दैट इज वन कैन सी हियर टेस्ट थिंग्स इन द राइट पोजिशन एंड क्लीन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसमें कैसे होता है, तो जो सत्वगुण में रहेंगे उनका हर गेट है, मतलब जैसे आँख है वो सेंस का जो है ओपनिंग है, तो ये इल्यूमिनेटेड हो जाता है विथ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। तो कैसे होता है, तो जनरली हमारा जो आँख है हम लोग क्या देखना चाहते हैं, अभी कॉन्टेमिनेटेड आँख है उसमें क्या देखना है, तो हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का पिक्चर, जो पिक्चर को देखना नहीं चाहिए उस टाइप का पिक्चर देखने के लिए मन करेगा। भगवान को देखने के लिए हम लोग चाहेंगे तो एक मिनट भी एक सेकंड भी देखने के लिए मन नहीं करता है। तो हमारा ये जो है ये दूषित हो गया, अभी इम्परफेक्ट है, मतलब इट इज नॉट विथ नॉलेज हैप्पीनेस इसका नहीं है, नॉलेज में बेस्ट नहीं है। जब ये प्यूरिफाई हो जाएगा बार बार भगवान को दर्शन करते हुए, भगवान का बारे में हम भगवान का सब कुछ दर्शन करेंगे, भगवान का भक्त का दर्शन करेंगे, तो धीरे धीरे ये प्यूरिफाई होगा। तो उसका बाद में इसको अच्छा लगेगा कि अच्छा भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का मंदिर को जाना चाहिए, तो दर्शन ये सब करेगा। अभी हमारे कान में क्या सुनते हैं, कान में अच्छा चीज, अच्छा कोई भी भगवान का बारे में सॉन्ग आएगा अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई म्यूजिक है, कैकोफनी म्यूजिक है, कोई फीलिंग सॉन्ग है उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये है इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन हो गया इसको, या ये थ्री मोड्स का इन्फ्लुएंस में अभी पड़ा हुआ है। तो जब गुडनेस में आ जाएगा तो अच्छा जो स्लो म्यूजिक या भारत जो जिस टाइप का क्लासिकल म्यूजिक अच्छा लगेगा, और जब और दूर हो जाएगा तो भगवान का बारे में सॉन्ग्स अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम लोग आँख में जब सत्वगुण में आँख आएगा तो देखेगा तो क्या देखेगा, गुड सीनरी देखेगा। लेकिन जो सत्वगुण में आ जाए, शुद्ध सत्व में आया तो भगवान का पिक्चर को देखेगा, भगवान को अच्छा लगेगा, तो इस टाइप का है। तो जो सुनने का उसके लिए स्मेल करेगा, तो हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग को ऑनियन एंड गार्लिक का स्मेल अच्छा लगता था, नॉनवेज का अच्छा लगता है। अभी हम लोग छोड़ दिया कुछ दिन से, तो उसके बाद में अभी ऑफिस में कोई आया कच्चा प्याज खा के आया है, तो वो मेरा पास में बैठा है, मेरा भाई एक बार बोला नहीं, दूसरा बोला भी भाई देखे तुम अगर एक पच्चा पच्चा प्याज खा के आएगा तो थोड़ा दूर में बैठना, नहीं तो आप मुँह को अच्छे से कुछ पिपरमिंट खा के आना। तो पहले तो उसी प्याज को तो अच्छा लगता है, वो मतलब बढ़िया है। तो जब ये, क्योंकि ये दूषित हो गया था, अभी जब प्योर होगा तो उसको वो सेंट अच्छा नहीं लगेगा। पहले आप देखेंगे कोई पच्चा हुआ सड़ा हुआ चीज़ को अच्छा लगता है, हाँ, इसलिए हम फ्रिज में रख के 3 दिन का फूड भी खाते हैं, तो तमोगुण में है। तो लेकिन जो सत्वगुण में आएगा उसको अच्छा नहीं लगता, बासी का खाद्य अच्छा नहीं ले, इसको नहीं खाएंगे, पूरा फ्रेश बनाओ उसको खाएंगे। और जब और ऊपर में जाएगा, शुद्ध सत्व में जाएगा, भक्त भक्ति स्टेज में जाएगा, तो बोला नहीं नहीं विदाउट ऑफरिंग टू लॉर्ड कृष्ण प्रसाद नहीं होने से अच्छा नहीं लगता है। वो प्याज बिना प्याज सुन का होगा फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान को अर्पण नहीं हुआ उसका टेस्ट नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो है सत्वगुण में आएगा और शुद्ध सत्व में जाएगा, कैसे डिफरेंस होता है, टेस्ट एंड हियर एंड सी, ये सब चीज़ को चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग पता चल जाएगा कि हमारे जो 9 गेट्स है वो इल्यूमिनेट हुआ है नहीं हुआ है, इसमें पता चल जाएगा। हाँ, तो अच्छा अच्छा चीज़ सुनने के लिए मन करेगा भगवान का। अभी हम लोग टाइम देगा, टाइम होगा तो हाँ टाइम हो गया 7:45, तो सब सुनना के लिए आना है, क्योंकि अभी हमारा कुछ इंटरेस्ट आ गया, सत्वगुण में आ रहे हैं। लेकिन अगर तमोगुण में रहेंगे इसका अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या बोल रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है, इससे बेटर है कि कोई फिल्म देख लें तो अच्छा लगेगा, फिल्म का संग सुन लें, कोई कुछ दूसरा चीज़ बताएगा वो सुनना है, तो वो सबको इंटरेस्ट आएगा। अभी हमको न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन भागवतम पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग कोई कोई लिटरेचर इस टाइप का है, कोई बोलेगा हम ओपन क्या किस टाइप का पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप का लिटरेचर से किसको क्या टाइप का लगता है अच्छा, तो रजोगुण में किसको अच्छा लगता है, तमोगुण में अच्छा, सत्वगुण में जो आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो अच्छा स्टोरी टाइप का होना चाहिए, या अच्छा राइटर का अच्छा चीज है। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग को जो अच्छा चीज ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम तो तमोगुण
में रजगुण में है, तो हमको अच्छा खाना बहुत अच्छा नहीं लगता है, जो हमको 50 सड़ा हुआ 3 दिन का फूड अच्छा लगेगा। और हम लोग को जो सुनने के लिए कौन सा म्यूजिक चाहिए, तो हम लोग को जो आजकल जो मैरिज में होता है डीजे, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन सत्वगुण में आएगा तो नहीं, You are स्लो not म्यूजिक not अच्छा audible, लगेगा। uncle. अच्छा तो अच्छा ठीक है, इधर तो डिफरेंट आइटम्स जो है हम लोग देखते हैं, हमारा डिफरेंट सेंसेस जो है प्यूरिफाई हो जाता है, तो हम लोग को अच्छा लगेगा, इम्प्योर चीज़ को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये टाइप का हम लोग सुन सकेंगे। पैशन का कैसे होता है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असम्मो स्प्रिय राजसी एतानी जायन्ते विवृद्धे भरत श्रवण और चीफ ऑफ द भरत श्रवण देयर इज एन इंक्रीज इन द मोड ऑफ पैशन इस सिम्टम्स ऑफ ग्रेट अटैचमेंट फ्रूटिव एक्टिविटी इंटेंस एंडियवर एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर एंड हैंकरिंग डेवलप। तो ये रजोगुण का ये क्वालिटी है कि हमारे पास में हमें बहुत आसक्ति रहेगा, मेटेरियलिस्टिक चीज के लिए बहुत आसक्ति है। हमारा एक कार रहेगा, कार को कोई अगर ठोकर लगा दिया तो हम लोग माने पागल हो जाएंगे। फ्रूटी एक्टिविटीज है कि हमको कुछ पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेटल चीज़ को हम लोग हैंकरिंग करेंगे, इंटेंस एंडेवर बहुत प्रयास करेंगे कुछ चीज़ को पाने के लिए मेटल चीज़ को, एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर हमारा बहुत स्ट्रांग रहेगा, मेटलिस्टिक डिजायर एंड हंकरिंग, हम वो नहीं प्राप्त होने से हमको बहुत खराब लगेगा। तो सिम्टम्स क्या है, ग्रीड, मतलब हमको 1 लाख सैलरी में अगर हो जाता है, फिर हम लोग नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मन करेगा। रूटी एक्टिविटीज, हाँ हमको एक एग्जाम पास हो गया तो फिर दूसरा एग्जाम देना है, तीसरा देना है, तो इस टाइप का डिफरेंट, एक लैंड खरीद लिया तो दूसरा खरीदना है, ऐसे चलेगा, एक गाड़ी खरीदा तो दूसरा खरीदेंगे, उसका इसका करने के लिए इंटेंस एंडेवर चाहिए, क्योंकि हमको बहुत पैसा कमाना है तो बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। एंड अनकंट्रोल डिजायर, डिजायर बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, और हैंकरिंग इसको पाएंगे नहीं, मिलने से हमको बहुत खराब, हम पागल हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ है। इग्नोरेंस में है अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह ये वच तमसी एतानी जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदना, कुरुनंदन अर्जुन है, देर इज एन इंक्रीज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो ऑफ कुरु डार्कनेस इनर्सिया मैडनेस एंड इल्यूजन आर मैनिफेस्टेड। तो हम लोग का नॉलेज इग्नोरेंस में, नॉलेज में नहीं रहेंगे हम लोग, रियल नॉलेज से जाके इग्नोरेंस में जाएंगे हम लोग, हमारा लाइफ को तमगुण में जाएगा, मतलब डार्कनेस, मतलब हमको नॉलेज से नीचे जाएंगे, नॉलेज से इग्नोरेंस को जाएंगे, पागलपन बढ़ेगा, इल्यूजन रहेगा, कौन सा सही कौन सा गलत पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा टीचर एक एग्जांपल दे रहे थे, एक आदमी प्योर वेजिटेरियन था, उसके बाद में वो नॉनवेज शुरू कर दिया, तो 1 साल का बाद में उसको पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, आर यू आर फीलिंग गुड और नाउ, तो वो बोलता है कि मेरे को कुछ फर्क पता नहीं चलता है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन था वो वेजिटेरियन हो गया, 1 साल के बाद में उसको पूछते हैं तो उसको पता चलता है कि नहीं, नाउ आई एम बेटर, वेजिटेरियन इज बेटर देन वेजिटेरियन। तो पहले जो आदमी था वो सत्वगुण से खुद खाद्य खाता था, फिर बाद में तमोगुण को चला गया, तो तमोगुण में ये पता नहीं चलता है कौन सा सही कौन सा गलत है, उसको बोलता है पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन जो सत्वगुण में आ जाता है, तमस से सत्व को आता है, तो उसको पता चलता है कि कौन सा खाद्य खाना है ठीक से कौन सा नहीं। हम लोग भी पहले जो नॉन वेजिटेरियन फूड लेते थे, तो अभी हम लोग को पता चलता है कि वेजिटेरियन फूड में क्या है, हमारा हेल्थ बेटर रहता है एंड भगवान कृपा से, और उसके बाद में हमको जो शरीर का डाइजेशन माने पेट में ठीक रहता है, एसिडिटी वगैरह नहीं होता है, तो ये सब चीज़ में ये इफेक्ट आता है, पता चल जाता है। तो लेकिन जो तमोगुण को जाएगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा सही कौन सा गलत है। तो ये इग्नोरेंस का सिम्टम्स है डार्कनेस, मीन्स अप्रकाश, अप्रकाश प्रकाश नहीं है तो डार्कनेस है, इनर्शिया अप्रवृत्ति ही, इनर्शिया मीन्स कोई भी चीज़ को करने के लिए, इनर्शिया मीन्स देखते हैं कि फैन पहले स्विच ऑन करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा उसको घूमने के लिए, या बंद करने से कुछ टाइम लगेगा बंद होने के लिए, इसको इनर्शिया है। तो हम लोग कोई भी काम करने के लिए
मन नहीं करता है, हमको कोई किक मारेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, हम लोग इनर्शिया में है, मैडनेस प्रमाद पागल जैसे है, हम लोग का इल्यूजन मोह है। तो यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं वो कुछ पीता है, कुछ करके वहीं पे भी सो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग रास्ते में कभी भी देखेंगे कोई आदमी कुछ पी के भी रास्ता में सोया होगा, ऐसे भी बहुत लोग नहीं पीते हुए भी स्टेशन में सोते हैं, उनको कोई खराब नहीं लगता है क्योंकि वो तमोगुण में है। लेकिन हम लोग को अगर अच्छा बेड मिलेगा, अच्छा जगह मिलेगा तभी हम लोग सोते हैं, नहीं तो नींद नहीं होता है। तो दैट मीन्स जो बस्ती में रहते हैं वो तमोगुण में उनका इन्फ्लुएंस आ गया है, कोई चीज़ अच्छा लगता है। लेकिन जो अच्छा जगह में रह चुका है उसको अगर बस्ती में डाल दोगे तो उसको खराब लगेगा, ये कौन सा जगह में आ गया है। तो इसीलिए वो सत्व से तमो को जाएगा तो पता चलता है, तमो से सत्व आएगा तो मतलब सत्व से तमो से भी फर्क पड़ता है, पता चलता है। लेकिन कभी कभी इतना तम में चला जाता है तो सत्व से तम क्या है पता भी नहीं चलता है। एनी वे वेन यू चेंज योर क्वालिटीज यू कैन नो दैट हाउ आई एम इम्प्रूविंग। लेकिन इसीलिए हमको ये तमोगुण का इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए कि हम तमोगुण में है कि हम रजोगुण में है, हम सत्वगुण में है, हमारा प्रीडोमिनेंट नेचर क्या है। तो इसीलिए ये सब तीन चीज को हमको पता होना चाहिए। तो डार्कनेस एंड इनर्शिया इम्प्लाइज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो हम लोग जानते हैं कि मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है। तो हम इग्नोरेंस में रहते हैं तो ये सब मानते हैं नहीं है, मीट ईटिंग करते हैं, इंटॉक्सिकेशन लेते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इलिसिट सेक्स करते हैं, तो ये सब डार्कनेस का इंटर्नशिया का है। एंड वार स्विमजिकली फॉर नो पर्पस, पर्पस ही नहीं, ठीक है करते हैं काम, हल नहीं करते हैं, आज मन करता है अभी कर देते हैं और फिर बाद में नहीं करते हैं, सो जाते हैं, मतलब देयर इज नो रेगुलेशन एट ऑल, स्विमजिकली करते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है, आज मन करता है नहीं मन करता नहीं करते हैं, लाइक दिस इल्यूजन इवन दो हैज द कैपेसिटी टू वर्क ही डजंट एंडियोर। उसका कैपेसिटी है, काम कर सकता है, कोई चीज़ कर सकता है, लेकिन वो चेष्टा नहीं करता है क्योंकि वो धीमा रहता है, लेजी रहता है। तो इसलिए इग्नोरेंस का सिम्टम्स ये सब है। तो हम लोग कैसे ये तीन गुण से ऊपर जाएंगे, तीन गुण से ऊपर जाने से भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। माम चो यो विविचार ऋण भक्ति जोगे न शैव ते स्वगुणान समत तैनान ब्रह्म भूय कल्पते सम अतीत इतान सम अतीत। तो वी शुड माम चो अभ्यविचारिण वन हु एंगेज इन फुल डिवोशन सर्विस अभ्यविचारी भक्ति ऑन फेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एट वंस ट्रांसेंड द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर एंड दैट बिकम्स दैट कम्स टू द लेवल ऑफ ब्रह्मन। द सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज द ओनली मीन्स टू गेट फ्री फ्रॉम द क्लॉचेस ऑफ द स्ट्रिंजेंट मेटेरियल नेचर। तो भगवान का भक्ति करने से अभ्यविचारिणी भक्ति, व्यविचारी मीन्स हमारा जैसे कोई वाइफ का मोर देन वन हस्बैंड है वो व्यविचारी है, तो उस टाइप का अभ्यविचारिणी मीन्स हमारा हस्बैंड एक ही है, भगवान जगन्नाथ कृष्ण एक ही हस्बैंड है और वही हमारा स्वामी है जगन्नाथ स्वामी। तो हम उनका भक्ति करेंगे तो प्योर भक्ति करेंगे विदाउट एनी मिक्स, आप सत्तो रजो तमो नहीं, प्योर गुडनेस में रहेंगे और जो है कोई डिजायर फॉर मेटेरियल हैंकरिंग नहीं रहेगा। नो कर्म मिश्रित भक्ति, नो ज्ञान मिश्रित भक्ति, नो ध्यान मिश्रित भक्ति, ओनली भक्ति भक्ति, केवल भक्ति, प्योर गुड, प्योर डिवोशन, उसमें हम रहेंगे तो स्वगुणन समोति अत्यान वी कैन क्रॉस दिस ऑल गुणस थ्री टाइप्स ऑफ नेचर मटेरियल नेचर सत्तर तमंगुण क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि भगवान जो है शुद्ध सत्व है। भगवान के साथ में भक्ति में रहेंगे, सेवा करेंगे, भगवान से जुड़ा रहेंगे तो हम लोग ये तीन गुण से सत्व गुण से क्रॉस करके शुद्ध सत्व में चला जाएंगे, क्योंकि भगवान जो है वासुदेव है तो वासुदेव स्टेट को हम लोग चला जाते हैं। तो अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस अगर भगवान का सेवा में 24 आवर्स एंगेज रहेंगे विदाउट एन एक्सपेक्टेशन अहेतु की अप्रतिहत सर्विस सेवा करते हैं सभी पुंस पराधर्म जत भक्ति अध्यक्ष जे अहेतु की अप्रतिहत जिजात्मा सुप्रसिद्धि अहेतु की मीन्स विदाउट एनी हेतु विदाउट एनी कॉज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड अप्रतिहत विदाउट एनी इंटरप्शन। तो कंटिन्यूसली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन भगवान का सेवा करें तो हम शुद्ध सत्व गुण को चला जाएंगे और हम लोग को आत्मा भी सुप्रसिद्ध होता है, आत्मा खुश होता है, क्योंकि आत्मा का क्वालिटी यही है कि भगवान का सेवक है तो नित्य सेवक है, तो उसी सेवा में एंगेज होगा तो प्योर होगा, आत्मा प्योर है
लेकिन अभी उसका चारों तरफ में कॉन्टेमिनेशन लग गया है, मेटेरियल वर्ल्ड में आके तीन गुण में इफेक्टेड हो गया। जैसे रेन वाटर इज प्योर बट वेन इट कम्स इन टच विद दिस अर्थ, तो वहाँ पे मिट्टी के साथ मिलके उसका जो क्वालिटी है मिट्टी का क्वालिटी हो जाता है। फिर उसको अगर उसी पानी को लेकर हम अगर क्लीन करके फिर वो पानी निकाल लेते हैं तो वो फिर प्योर होता है। तो इस टाइप का हमारा जो कॉन्शसनेस है प्योर है, लेकिन कॉन्शसनेस बिकम्स अफेक्टेड बाई द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। और ये जब भी कॉन्शसनेस को फिर हम लोग भगवान का सेवा में लगाएंगे तो ये फिर प्योर हो जाता है। तो इसलिए वो ब्रह्म स्टेज को आता है। ब्राह्मण स्टेज मीन्स सत्व गुण या प्योर प्योर जो ब्राह्मण मीन्स सोल, तो सोल का जो क्वालिटी है वो प्योर है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद फॉर्म में हम लोग फिर चलाते हैं। एक्चुअली सोल तो सच्चिदानंद है लेकिन उसका ऊपर में जो है मेटेरियल कवरिंग आ गया है, तो इसलिए तीन गुण अफेक्ट करता है। तो तीन गुण को फिर फार्मली प्रैक्टिस दी फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एट द सेम टाइम चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा जो चेतना कॉन्शसनेस को मिट्टी का साथ में जैसे आने के बाद में पानी जो मैला होता है कॉन्शसनेस से इफेक्ट कर गया, तो वो कॉन्शसनेस को प्योर करने के लिए भगवान जो है ऑल प्योर है और उनका नाम उनसे अभिन्न है। भगवान का नाम में हम लोग रति रखेंगे तो भगवान से रति रखना सेम है, भगवान एंड उनका नाम अभिन्न होते हैं तो बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट, तो इसलिए भगवान का नाम करेंगे तो हमारा चेतन रूपक का दर्पण मार्जन होता है। चेतना जो है मिरर है, मिरर का पर डस्ट लग गया है उसको क्लीन करना है। तो ये क्लीन करने के लिए प्रोसेस है चैंटिंग एंड हियरिंग प्रोसेस, श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान के बारे में, श्रवण करें कीर्तन करें उनका नाम को ग्रहण करें उनका कीर्तन करें, तो ये सब करने से हमारा जो है चेतना फिर क्लीन होगा। तो टू क्लीन द डर्ट फ्रॉम द हार्ट और इन द अदर वर्ड चेतना एंड हार्ट इज इन द वर्ड इज इंटरचेंजेबल बिकॉज सोल रिजाइड्स इन द हार्ट है, बट हार्ट इज ए फिजिकल थिंग्स समटाइम्स वी फील, एक्चुअली हार्ट इज फिजिकल इन वन सेंस बट एक्चुअली हार्ट इज नॉट ऑल्सो फिजिकल इन अदर सेंस। तो हार्ट एंड कॉन्शसनेस समटाइम्स सेम बोलते हैं क्योंकि हार्ट में ही आत्मा रहते हैं परमात्मा रहते हैं। तो द हार्ट डार्ट फ्रॉम द हार्ट और इन द वर्ड्स टू क्लीन द इफेक्ट्स ऑफ मोड्स ऑफ पैशन एंड मोड्स ऑफ इग्नोरेंस टू रिमेन कॉन्स्टेंटली सिचुएटेड इन द मोड्स ऑफ गुडनेस इन द एज ऑफ कलि युग चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज द रिकमेंडेड प्रोसेस एज इट मैंशन इन द स्क्रिप्चर्स। तो चेतना प्रभु भगवान स्वयं आके कलयुग में तो चेत रूप दर्पण को मार्जन करने के लिए चैंटिंग द होली नेम्स का प्रोसेस बताए। तो कलयुग में ये भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान नाम रूप में आए हैं और ही नाम को लेते हुए हम लोग को कॉन्शसनेस को क्लियर करना है। तो दिस वे वी कैन ट्रांसेंड दिस मोड्स ऑफ नेचर। सो वी डिस्कस टूडे थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर क्या होता है, उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है और हम उसको कौन सा गुण से में रहते हैं, शुद्ध सत्व में कैसे जाना है। तो इस टाइप का हम लोग भगवान का सेवा में अभिविचरणीय भक्ति करके उनका नाम लेना उनका सेवा है, उनका गुण कीर्तन करना है, उनका वंदन करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पद सेवन दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, इस प्रोसेस में रहते हुए हम लोग जो है भक्ति करेंगे तो हम लोग ये तीन गुण को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद ने ये चैप्टर का 14 चैप्टर में इसीलिए लास्ट में लिखा भी है, अगर हमको पता चल गया ये तीन ये चैप्टर का बारे में पता चल गया तो हम भगवत धाम को जा सकते हैं। पता चल गया मीन्स वी नो दैट इन व्हिच मोड्स वी आर देयर एंड वी ट्राई टू रेक्टिफाई आवर मोड्स एंड गो बियॉन्ड द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। तो जो है पपेट जैसे हम लोग बंधा हुआ तीन गुण से, उससे तीन गुण बंधन का काट के भगवान के शरण में रहेंगे तो ये तीन गुण भगवान का सकते हैं। उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, वो जब मेरा पास में सरेंडर हो गए तो फिर वो प्रकृति आपको तीन गुण से निकाल के आप निकल के आ सकते हो, नहीं तो प्रकृति आपको बंधन में बांध रखे तो आप छोड़ने आपको आप निकल नहीं सकते हो। तो इसलिए भगवान का पास में सरेंडर होने से उनका सेवा करने से उनका भक्ति करने से तो माया देवी हमको छोड़ देंगे रास्ता और हम लोग भगवान के पास में आ जाएंगे।
तो भगवान भी मायादेवी को इस सेवा में एंगेज किए हैं। तीन गुण में बंधन में बांधो, वो जब कष्ट में रहेगा तभी पता चलेगा कष्ट हो रहा है, तो ये भगवान का भक्त का संग में आएगा, तो भगवान का शास्त्र का संपर्क में आएगा, गुरु साधु शास्त्र का गाइडेंस में आते हुए फिर ये तीन गुण से नीचे निकल के ऊपर आ सकता है, शुद्ध सत्व में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग।